मामला बटाले दे गोपाल नगर तो सामने आया है जिथे एक महिला दा 12 साल पहला व्याह होया सी पर लगातार अपने सौहरे जो कि भाजपा दा एक वड्डा आगू है उस दी हरकतां तो तंग आके वो अपने घरवाले नाल अपने पेके घर जम्मू रहन लग पई पर हुण 2 महीने तो उसदे दोवें बच्चे जो कि सस सौहरा अपने घर बटाले लेके आ गए हन अते उसनूं अपने बच्चियां नाल मिलन नहीं दित्ता जा रहा। कल देर रात वो अपने नाल चाइल्ड वेलफेयर पुलिस प्रशासन अते सिविल प्रशासन नूं नाल लेके अपने सौहरे घर पहुंच गई पर फिर भी मां नूं बच्चियां नाल नहीं मिलन दित्ता गया। जानकारी दिंदियां महिला ने दस्या कि उसका 2009 विच व्याह होया सी पर 2 महीने बाद ही तंग परेशान करना शुरू कर दिता गया। उसने दस्या कि मेरा सौहरा लगातार मेरे नाल गलत हरकतां करदा सी जिस करके मैनू अते मेरे घर वाले नूं बटाला तो अपने पेके घर जम्मू जाना पिया सी पर मेरा घर वाला उत्थे जाके किसी होर लड़की नाल रहन लग गया जिस करके मेरे बच्चे मेरा सौहरा परिवार अपने घर बटाले रख रहा है। वो गलत काम करता है जिस करके मैं अपने बच्चियां लई चिंतित हां। जे मैनू मेरे बच्चियां नाल ना मिलन दिता गया तो मैं अपने सौहरे घर ही जान दे दवांगी। मेरे ब्याह होया 2009 ते 2009 तो बाद ही मेरी सास ने टॉर्चर करना मेरे ससुराल वालों ने टॉर्चर करना शुरू करता। उदों मेरा देवर भी कुआरा ही नंद भी कुआरे ही इन्होंने सब ने बहुत बुरा हाल किया। मैं अपने मायके आ गई मैं कहा मैं नहीं रहना। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पीछे आ गए नहीं श्वेता मेरा माँ प्यो गंदा मैं भी तेरे नाल रहांगा। फिर मैं अपने फादर नूं कहा मायके तो रह नहीं सकते। फिर मेरे फादर ने 10 लाख रुपया उस टाइम दिता तो नाल फिर सोना दिता फिर ना डायमंड का काम शुरू कराया। फिर उस तो बाद मेरे बेटे होए वो जम्मू होए मैं उत्थे ही पाले उत्थे वड्डे किए मैंने मेरे ससुराल वाले 1 रुपये की सपोर्ट नहीं गई। मैं मेरे फादर ने मैंने मकान लिया के दिता अज मकान 80-90 लाख का मकान है। यह मैंने कहते वेच के मेरे फादर को रह तू मैं कभी नहीं रहना। इन्होंने बाहर इन्होंने फादर गंदे है इन्होंने फादर हाथ उत्ते लगाते मैंने नहीं पसंद। 8-9 साल इन्होंने मेरे हस्बैंड ने हूँ 2 महीने हो गया बाहर कुड़ी रखी दी है वो रेंदे वक्रे मकान च वो ही सौंदे ने वो रेंदे घर खर्चा खुर्चा कोई नहीं गा। मेरे फादर मैं दुकान पर बनी अपने फादर के उतों खर्चा कर दी हाँ। मैं अपना मकान नहीं बेचना क्योंकि मेरे ससुराल वाले सही नहीं है गए ऐ इतें भी रैकेट चलाते ना इतने भी फड़े गए तो मेरी कुड़ी लाए 11 साल की 2 मुंडे लाए ने मेरे को किडनैप करके मेरे बच्चे नहीं दे रहे मेरे ना मांग रखी गई है बच्चे लाने मकान बेच के बटाले आ मेरे को मैं मांग नहीं स्वीकार करती मैं मांग नहीं स्वीकार करती। इतों के SHO सिटी जी ने मैं लैके आई सिटी बटाला तो SHO उन्होंने भी इन्हों मिल के मेरी कार्रवाई कुछ नहीं की गई। अज मैं इतों महिला जी ने लैके आई हूँ वीडी जो भी है ना लेडीज महिला उन्होंने मैं क्या मेरे बच्चे छुड़ाए जाने मेरे बच्चे सेफ हाथ नहीं गए। मैं तुम वीडियो दस दंगी जो उन्हें रेट पई दी है तो यह मेरे बच्चों ड्रग्स भी देंगे ना मैं इतने ही जहर खा के मर जाना क्योंकि बच्चे मेरे हैं ना मेरी इतों लाश ही निकलेगी बच्चे नहीं मिले मैं इतने ही मर जाना मैं अपने बच्चे लैके ही जाने मैं पाले बड़े औखे मैं पीरियड भी बड़े औखे रखे 8 महीने मेरे बच्चों के किसी का अधिकार नहीं है ना दादे का ना दादी का किसी का नहीं। देखो बच्चे जो आए पर बच्चे अंदर चले गए बच्चे गए नहीं अंदर इन्होंने देखे थी हाथ मार के कैसे अंदर लैके गए कृष्णा के नहीं आते थे पे ही अंदर गए नहीं भड़काया बड़ा मेरे बच्चों चाकू दिखा दिखा के उन्होंने इन्ना को हरासमेंट की इन्ना डराए माँ का कीड़ा दिमाग चो निकाल दो माँ को नहीं जान देना मैं माँ को किडनैप करके मेरे बच्चे लाते मेरे बच्चे रोंद रहे मम्मा लै जा मैं लैन आई ना मैं धक्के मार के बाहर कड़ता। मामला 2009 की शादी की थी है 2009 से ही परेशान हाँ जिदा कहते हैं भी इज्जत वाला बंदा कहता वा भी अपनी इज्जत बनी रहे घर परिवार की अपने अंदर ही बह के जिठी जाए तो वह कर उदा उस हालात में मैं 13 साल कटे ने तो मेरा बेटा 2009 की शादी हुई सी इस परिवार ने जोड़ा मेरे बेटे सहुरे ने इन्होंने मतलब कि इन्ना क तंग किया बेटा मेरा चले भी गया वा उत्थे जम्मू जाके लखां जिनी क जिन्ने जोगा मैं है ना उन्हें उन्ना मेरा इन्हें घर धोता मुंडे ने ते ए कुड़ी ने मतलब कहंदा भी इन्हें 5-7-10 वारी जम्मू गई आ और मेरे तो घर का जिन्ना भी गहना गट्टा लैके पैसा धेला जिन्ना भी हुंदा रहा लैके 2012 च जाके इन्होंने उत्थे इन्होंने कुड़ी दे पेकिया ने मेरे कुड़मां ने इन्हू मकान लैके दिता वा अपनी कुड़ी दे नां कुआरी शो करके इहदा मैरिज होई 2009 की 2012 के उत्थे प्लाट लैके दिता इहदे नां दा ते मुंडे ने 1 रुपया उस मकान ते लाया वो अज कोठी टाइप मकान बन गया था डबल स्टोरी कोठी आ जिनी इतों मैं
जिनी भी मटीरियल भेजा वा घर के राशन तक मैं भेजना वा दुकान लैके दी मुंडे मुल वो ना वो दुकान बना दिया वा इन्होंने 13 साल का इन्ना परेशान किया वा भी ये जो बच्चे है ना मेरे मुंडे समेत मेरे मुंडे के हथी पी वो जोड़ा बच्चा पहला बर्दाश्त करता रहा मेरे समय भी हों वा पर मैं यो कहता रहा भी चलो आपस से इन्हों की बन जाए सू कोई मतलब नहीं है जो धी पुत ब्याह दिए ना वह अपना ग्रिस हों वा अपना चलावे पर उन्हें मैनू दसिया वा कि मैं इन्ना पापा 13 साल से दुखी रहा वा मैं एक दिन रात को नींद चैन की लैके नहीं सुता जी रोक लाए महिला ने बेवकूफा गल बेवकूफा गल सारा शहर जानता सारा जमाना जानता सारा बटाला जानता सूरी की है ये एक एक जिदा जिंदा कहना ना भी चंद ते थुकना जितो कपने से पैंता वो तुम सारे ने देख ही लिया वा सामने सारा प्रशासन आया सी सारे प्रशासन ने की देखा जो ओदिया हरकत ने सारिया देखिया ने और जिथे भी जाती उ उत्थे मुंडे ते भी लांछन लान डईदी आ इहो ही तेरा इहदा काम आ काम इहदा इहो ही आ क्यों क्योंकि एक चीज कहिंदे ने कोई पुराने कोई की कहिंदे ने भी इहदे कोई हैगे सी इत्थे साडे नाल करम भी जिहड़ा सानू इहने 13 साल तंग करना सी ते होर किन्ना करना वा ये भगवान जानदा वा मैं ते भगवान अगे प्रार्थना इहो ही करांगा भी साडे घर च सुख शांति रहे ते बच्चियां दा कोई गुनाह ना होवे नहीं बच्चे जाते नहीं नाल मेरे सामने मैं तो बाहर सा प्रशासन ने आपे खुल CWC ADC साहब और तहसीलदार साहब डॉक्टर रविंदर सिंह जो सरकारी डॉक्टर ने चाइल्ड स्पैशलिस्ट ने उन्होंने सामने बच्चों ने सारे सवालों के जवाब दिते ने और बच्चों ने बिल्कुल इनकारी की है वो कहते भी अभी सानू माँ ने जिन्ना जिनी साड़ी उम्र आ उदों तक जो भी उस संभाली अं तंग होते पे हाँ अं सू पापा मार दी है सानू मार दी है वो प्रशासन को क्या वो रिकॉर्ड प्रशासन को